सत श्री अकाल, चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों के वल। भाई बलवंत सिंह राजवाणा ने जेल च भुख हड़ताल की शुरू, भैन कमलदीप कौर राजवाणा नाल मुलाकात करने लिए पहुंचे जेल। पाकिस्तानी दुल्हन नूं भारत सरकार ने दिता वीजा, वाघा बॉर्डर राही पहुंची भारत, पहला दो बार भारत ने वीजा देने तो किया इनकार। चंडीगढ़ नूं अगले हफ्ते मिलेगा नवा सलाहकार, प्रशासक पुरोहित दी पीएम नाल मीटिंग मगरों छिड़ी चर्चा, आईएएस सचिन राजीव वर्मा का नाम सब तो। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पिछले 27 सालों तो पटियाला दी केंद्रीय जेल विच नज़रबंद बलवंत सिंह राजवाणा ने अपने ऐलान मुताबिक अज भुख हड़ताल शुरू कर दी। उसने जेल प्रशासन वालों दी सवेर की रोटी नहीं खाधी। वह मंग कर रहे हैं कि 12 साल पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उसकी फांसी की सज़ा उम्र कैद च तब्दील करन संबंधी राष्ट्रपति को दायर की रहम की अपील वापस कराई जाए। यह पटीशन वापस लैन तो इनकार करदियां श्रोमणी कमेटी ने 20 दिसंबर को दिल्ली में सिख संस्थावां के सहयोग नाल प्रदर्शन करन दा ऐलान भी किया। दूजे बन्ने एक दिन पहला ही साबका मंत्री बिक्रम मजिठिया ते साबका विधायक विरसा सिंह वलटोहा भुख हड़ताल टालने लिए राजवाणा नाल मुलाकात वास्ते आए सन, पर जेल प्रशासन वालों मुलाकात की आज्ञा नहीं दी गई। इसे दौरान राजवाणा की भैन बीबी कमलदीप कौर राजवाणा नाल जेल च मुलाकात करने लिए पहुंची है। एक घंटे दी वो सारी जानकारी असी मीडिया नूं दवांगे जी। तुहानूं एक गल पता लग रहा कि भाई बलवंत सिंह राजवाणा ने जिहड़ी है भुख हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि अंदर जिहड़ी है एक रिपोर्ट भी सामने आई है, राजस्थान कई थावां छापेमारी की थी। अधिकारियों ने यह जानकारी साझी की है। केंद्रीय जांच एजेंसी मनी लांड्रिंग रोकू कानून दीयां धारावां तहत जांच के हिस्से वजो दो सूबियां च लगभग 12 थावां ते तलाशी लै रही है। बिश्नोई जो इस समय जेल च है, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला कतल केस के मुलजमान चो एक है। ईडी ने गैंगस्टर विरुद्ध FIR दर्ज करके चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने FIR से चार्जशीटा के आधार पर यह कार्रवाई की। भारत सरकार ने कराची की रहने वाली 21 साल जावेरिया खानम पुत्री अजमत इजमाइल खान को भारत का 45 दिन का वीजा देता है। उस सवेरे वाघा सरहद राही भारत च दाखिल हुई है, जिथे उसके मंगेतर समीर खां ते होने वाले सहुरे अहमद कमाल खां यूसुफ जई ने उसका स्वागत किया। समीर खां ते उसके पिता यूसुफ जई ने बटाला के कादियां च दसिया कि वह कलकत्ता तो अज ही पहुंचे ने। उन्होंने दसिया कि वाघा बार्डर तो वह श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट तो कलकत्ता की फ्लाइट समीर ते जावेरिया खानम का विआह होएगा। जर्नलिस्ट मकबूल अहमद वासी कादियां ने उन्होंने इस मामले च काफ़ी मदद की है। तो उन्होंने कोशिशों सदका उसकी मंगेतर भारत सरकार ने वीजा दिता है। इन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया कि जावेरिया खानम वीजा दे के दो परिवारों आपस में मिलाने में मदद की गई है। अटारी सरहद से जावेरिया खानम के मंगेतर ने उसका ढोल ढमकियों के नाल स्वागत किया। एयरपोर्ट कलकत्ते के लिए और आपका शादी में सबको मुबारक है कलकत्ते में पहले हफ्ते जनवरी में, और शुक्रिया है मुझे इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का और मकबूल अहमद जी का, जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है वीजा प्रोसेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अचानक हुई मीटिंग तो बाद शहर में एक बार फिर नवे सलाहकार के नाम की चर्चा जोर आती है। इस विच आईएएस सचिन राजीव वर्मा का नाम सब तो अगे है। वह 1992 बैच के आईएएस अधिकारी
मूल रूप में उत्तर प्रदेश के रहने वाले ने। सूत्र दसते हैं कि इन्हों तो इलावा अरुणाचल प्रदेश के सीनियर IAS अधिकारी डॉक्टर शरद चौहान का नाम भी चर्चा से। इस अहदे की दौड़ में संजीव कुमार, अश्विनी कुमार, मनीष गुप्ता, अमित यादव और डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम भी विचारे जा रहे हैं। सूत्रों की मनीए तो पांच सूबिया हुई विधानसभा चोणों कारण हुण तक केंद्र सरकार ने सौदे लिए कोई फैसला नहीं लिया। पांच सूबिया के नतीजे प्रधानमंत्री नाल प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की मीटिंग तो बाद हुण दस्सिया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने इस अहदे ते नियुक्ति की फाइल प्रधानमंत्री नूं भेज दी। पंजाबी रैपर ते गायक योयो हनी सिंह खिलाफ नवां शहर च दर्ज FIR नूं रद्द करन दी मंग वाली पटीशन ते पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट नूं दस्सिया कि इस मामले च रद्द करन दी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उच्च अधिकारियों की मंजूरी मगरों इस नूं अदालत च पेश किया जाएगा। सूचना के आधार से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पटीशन का निपटारा करदे यह भी स्पष्ट किया है कि जेकर उन्हां खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पहला उन्हां नूं 7 दिनों का नोटिस दिता जाए। दस दिए कि हनी सिंह ने मैं हूँ बलात्कारी गीत संबंधी शिकायत से दर्ज FIR रद्द करने लिए हाई कोर्ट च पटीशन दायर की थी। पटीशन च उसने कहा कि मैं जिहा कोई गीत कदे नहीं गाया, किसी ने फर्जी अकाउंट बना के इस गीत नूं यूट्यूब से अपलोड कर दिता है। पटीशन से सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट तो बिना इन्हां दलीलों नूं स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर संगरूर तो बाद हुण नकोदर दे एक निजी स्कूल दे 12 बच्चे जहरीला पानी पीन कारण बीमार हो गए ने, जिस मगर उन्हां नूं निजी हस्पताल च दाखिल करवाया गया है। मिली जानकारी अनुसार सारे बच्चे 10वीं ते 12वीं जमात दे ने। बीते दिन करीब स्कूल के अध्यापक बच्चों नूं नकोदर के निजी हस्पताल लैके गए। जदों उन्होंने परिवार वाले नूं इस संबंधी जानकारी मिली तो कुछ ही मिनटां च परिवारक मैंबर भी मौके पर पहुँच गए। हस्पताल के डॉक्टरों ने तुरंत बच्चों का इलाज शुरू किया। इस दौरान डॉक्टरों ने दस्सिया कि बच्चों ने जहरीला खाना या गंदा पानी पी लिया, जिस कारण उन्होंने फूड पॉइजनिंग हुई है। विद्यार्थियों मुताबिक जदों वह ग्राउंड च खेड रहे सन तो सारे ने ग्राउंड के कोल लगे वाटर कूलर तो पानी पीता से। विद्यार्थियों ने यह भी दस्सिया कि पानी चो हल्की जी बदबू आ रही थी। पानी पीने उपरंत पेट च दर्द होया ते उल्टियां आने लगियां। बच्चों के मापियां का कहना है कि स्कूल का प्रशासन बच्चों लिए बहुत ही ज्यादा लापरवाह है। उधर स्कूल के डायरेक्टर फादर डेविस ने कहा है कि स्कूल इसलिए अपनी जांच कमेटी बना रहा है ते जांच के आधार पर जो भी दोषी पाए गए उस विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बच्चे खतरे तो बाहर ने, जिन्हों का इलाज लगातार जारी है। अमृतसर के हलका पूर्वी में आए दिन हो रही लुटा खोहां नशे के सौदागर धियां भैणों हो रहे धक्के खिलाफ हलका पूर्वी के BJP वर्करां ते आगुआं वालों एक रोस रैली का आयोजन किया गया, जिस विच वड्डी गिनती विच इलाके दीआं मातावां भैणां वालों हिस्सा लैके सुबह सरकार ते हलका विधायक खिलाफ अपना रोस जाहिर किया गया। इस मौके दिग्विजय सिंह ते डॉक्टर नीरज सिंह भाजपा आगू ने दस्सिया कि हलका पूर्वी के विधायक वालों चोणां समय वड्डे वड्डे वादे करके लोगों नूं गुमराह कर वोटां लै सत्ता विच आए, पर बाद विच किसे इलाका वासी की सार नहीं ली, जिस कारण अज इलाके विच नशा, चोरी, लुटां खोहां ते महिलावां नाल बदसलूकी दीआं घटनावां दा बोलबाला। फरीदकोट के कस्बा कोटकपुरा जीवन सिंह नगर में पिछले दिन छप्पड़ से किए हुए कब्जे को लेकर प्रशासन वालों तहसीलदार परमजीत सिंह बराड़ की अगवाई में DSP शमशेर सिंह शेरगिल भारी पुलिस बल को नाल लेकर छप्पड़ से बने हुए मकान हटाने लिए पहुंचे। हुण गरीब लोगों वालों प्रशासन के अधिकारियों से दोष लाए गए हैं कि पीला पंजा शाहूकारां दी कोठियां ते नहीं चलिया। इन्हां गरीब लोगों ने SDM ते DC तो इंसाफ मंगे। दस दिए कि इन्हां घरों के बिजली के कनैक्शन, वाटर बॉक्स कनैक्शन, हाउस टैक्स, सीवरेज कनैक्शन तक पे हुए हैं। तो इन्हां गरीब लोगों का कहना कि जेकर यह सरकार की जगह सी तो सानू सारे कनैक्शन लैण की मंजूरी क्यों दी गई।
मामला अमृतसर के कमिश्नर दफ्तर इंसाफ लैंड पहुंचे प्यो पुत नाल जुड़िया होया जिस विच पीड़ित पिता नरेंद्र पाल सिंह ते पुत हरमनजोत सिंह ने दसिया कि अमृतसर के इलाका डैमगंज के रहने वाले ने ते बेटा जो कि शराब के ठेके से काम करदा है। पिछले 5 महीने पहला इलाके विच नजायज शराब का धंधा करन 4 नौजवानों उपर उसके मालकों वालों परचा दर्ज कराया गया सी जिसकी रंजिशन उन्होंने नौजवानों वालों उसके घर जाके गोलियां चलाए गए जो कि गोली उसके पिता लगी सी जो कि लंबा समा हस्पताल विच इलाज करवा के ठीक होए ने पर अज 5 महीने बीत जाने के बाद बावजूद भी पुलिस वालों दोषियों से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। दोषी शरेआम घूम रहे ने मुड़ तो उन्होंने धमका रहे हैं जिसके चलते वह कमिश्नर दफ्तर इंसाफ की गुहार लगाने लिए पहुंचे हुए हैं। पांच महीने पहला घर आके दोषियों ने मैनू गोली मारी क्योंकि वह मेरे बेटे ना रंजस रखते ही ठेकेदार ना काम करता है तो उन्होंने नजायज शराब जी फड़ा के उन्होंने परचे दर्ज करवाया है तो इन्होंने मेरे आके गोली मारी। उस तो बाद मैं अमनदीप अस्पताल जेरे इलाज रहा 2-3 महीने लग गए तो हूँ मैं ठीक होने के बावजूद कमिश्नर साहब को आया वा तो गेट घीमा भी गया तो SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की किसी के घर कोई रेड नहीं हो रही किसी फड़िया नहीं जा रहा। 5 महीने हो गए ने अही अपील करते हैं कि दोषियों जल्द तो जल्द गिरफ्तार करके किसी उच्च अधिकारी को वधिया चंगे अफसर को सारी जांच कराई जाए तो दोषियों को सजा दवाई जाए। नेकी फाउंडेशन बुढ़लाडा ते माता गुजरी भलाई संस्था वालों कैप्टन KK गौड़ के 52वें शहीदी दिहाड़े से श्रद्धांजलि लिए फुलां की माला भेंट की गई। इस मौके बुद्ध राम प्रिंसीपल MLA विशेष तौर पर पहुंचे उन्होंने वालों कैप्टन KK गौड़ को श्रद्धा के फुल भेंट किए गए। अमृतसर विच लुट खोह दीआं वारदातां रुकण दा नाम नहीं लै रहीआं जिथे दिन दिहाड़े लुटेरे अपने घर दे बाहर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति कोलों उसका फोन खो के फरार हो गए। लुट दी इह घटना CCTV कैमरे च कैद हो गई है। मामला स्थानक जंडियाला दे अधीन पैंदे गार्डन इनकलेव इलाके दा फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। खन्ना पुलिस वालों पिछले समय दौरान वड्डी गिनती विच असला बरामद करके वड्डी वारदात होने तो बचा लिया गया ते पिछले हफ्ते खन्ना पुलिस नू वड्डी गिनती विच असला बरामद होया। इसे लड़ी नू अगे तोरदे हुए SSP खन्ना अमनीत कौंडल की अगुवाई हेठ SP इन्वेस्टिगेशन मैडम प्रज्ञा जैन IPS वालों माड़े अंसरां खिलाफ मुहिम शुरू की गई है जिसके नतीजे मिलने शुरू हो गए ने। इसे कार्रवाई तहत खन्ना पुलिस वालों 5 मुलजमान नू गिरफ्तार करके उन्होंने कोलों 8 पिस्तौल फड़न का दावा किया। अपनियां मंगां नूं लै के लंघी 8 नवंबर तो कलम छोड़ हड़ताल ते चल रहे मिनिस्टीरियल कामियां वालों बुढ़लाडा दे सरकारी हस्पताल विच सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया। इस मौके वख-वख भरातरी जथेबंदियां वालों संघर्ष की हमायत करदियां धरने विच शमूलियत की गई। जानकारी दिंदियां प्रदर्शनकारियों ने दस्सिया कि सूबा सरकार वालों मुलाजमान दीआं मंगां नूं पूरा ना करन कारण मिनिस्टीरियल कामियां वालों हड़ताल की गई है ते हड़ताल कारण पूरे पंजाब दे कर्मचारियों नूं तनखाहां नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों चोणां समय किते वादे पूरे नहीं किए जा रहे जिसका खामियाजा आने वाली 2024 दीआं चोणां विच सरकार नूं भुगतना पवेगा। हुण नजर मारदे हां अज दे मौसम दे हाल ते पल।
इस खबरों का सिलसिला इतने समाप्त होंगे। नवी ताज़ा खबरों के नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लिए दियो इजाजत। धन्यवाद।